हेलो एवरीवन, तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास 10 एंड क्लास 12 बोर्ड एग्जाम कैंडिडेट्स, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही आपका डिसीजन होगा कि आप पास कर रहे हैं या फेल कर रहे हैं, क्या बनने वाला है आपका रिजल्ट और कैसा बन रहा है आपका रिजल्ट। सीबीएसई ने रिपोर्ट भेजा है, साथ साथ मेरे प्यारे दोस्तों पूरा डिटेल्स इस वीडियो में दूंगा। क्लास 12 को भी साथ में लेकर चलूंगा क्योंकि क्लास 12 के भी बारे में बात उठी है और बात आई है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आप लोग भी बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं कि क्या हमारा एग्जाम कैंसिल होगा और कैंसिल होगा तो कैसे रिजल्ट बनेगा और अगर कैंसिल नहीं होगा तो क्या वो ऑनलाइन होगा। तो सारा डिटेल्स इस वीडियो में होने वाला है और बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्लास 10 बोर्ड कैंडिडेट्स के लिए जिनका एग्जाम कैंसिल हो चुका है और वो इंतजार कर रहे हैं अपने रिजल्ट्स का। मेरे प्यारे छोटे भाई और बहनों, आप सबके लिए होगा, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे अच्छे स्टूडेंट थे कि आप अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, उसे कोई मैटर नहीं करता, पर आपका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा होने वाला है। तो इस छोटी सी वीडियो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका या आपका कोई अपना है तो उन्हें जरूर शेयर करें ताकि वो एप्लीकेशन यूज कर सके, फ्री एप्लीकेशन। हेलो एवरीवन, पढ़ाई में डाउट आते हैं तो घबराओ मत, सबका सलूशन है डाउटनेट। किसी भी क्वेश्चन में अगर आप अटक गए हो तो आपको बस क्वेश्चन की फोटो क्लिक करनी है, उसे क्रॉप कर देनी है और अपलोड कर देनी है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी वीडियो सलूशन। चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी एंड अदर स्टेट का, साथ साथ क्लास 6 टू क्लास 12 एंड आईआईटी जेईई मेंस एडवांस नीट का हो, साथ साथ सब्जेक्ट की बात कर ले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, डाउटनेट पर चल रही है कोटा टॉप फैकल्टी, जहां पर जीबी सर, एनजे सर, मैम, एके मैम, साथ साथ प्रिंस सर हैं। उसी के साथ टॉप बेस्ट एजुकेटर्स भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे और 3 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट ने डाउनलोड कर लिया है डाउटनेट। तो देर किस बात की, डाउनलोड ना पाए दुगने फायदे। थैंक यू सो मच। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लास 10 के लिए जो सबसे बड़ी खुशखबरी है, फिर क्लास 12 के ऊपर आते हैं। सीबीएसई इंटरनल असेसमेंट में चमके तो 10वीं में बरसेगी नंबर। जानिए क्या कहता है बदला हुआ नियम। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों, इस पूरे अपडेट में ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं, जाकर गूगल में पढ़ सकते हैं कि सीबीएसई ने, मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट मांग लिया है हर एक स्कूलों से। यानी कि आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं, आपका रिपोर्ट जा चुका है सीबीएसई के पास, उसी के वे में आपका रिजल्ट जो है बनेगा। आप देख सकते हैं सीबीएसई ने मांगी 15 बिंदुओं की, स्कूलों से 15 बिंदुओं की जानकारी मांगी है। मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है, सारा न्यूज आप देख सकते हैं, साथ साथ आप जाकर पढ़ सकते हैं। मैं अच्छे से आप लोगों को समझा दूं कि आपका जो है रिपोर्ट जा चुका है, कि आपका कैसा परफॉर्मेंस था, यानी कि आपका स्कूल में कैसा परफॉर्मेंस था, आपने कैसा जो है ऑनलाइन असेसमेंट किया था, आपका प्रोजेक्ट कैसा किया था। टीचर्स ने सारे रिपोर्ट्स भेज दिए हैं, मतलब 3 वे में भेजा है, जो कहा जाता है एवरेज, जो आपको पता होगा ये सिस्टम, एवरेज स्टूडेंट, साथ साथ मेरे प्यारे दोस्तों अच्छे स्टूडेंट, किस वे में आपके टीचर्स ने रिपोर्ट दे दिया। अब हम लोग आप लोगों को बता दें, जिन लोगों को 19-20 मार्क्स मिले हैं प्रोजेक्ट में, 19-20, उनका सबसे बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, उनका सबसे बड़ा प्रॉफिट। साथ साथ जिन लोगों को 15 तक मिलेगा या 15 के बिलो मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो परसेंटेज होगा 70% तक जाएगा, 70%। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि अगर आपका रिजल्ट, एक बार और सुनिए, आपको अगर प्रोजेक्ट्स में 20 मार्क्स में से 15 मार्क्स तक मिले हैं तो आपका रिजल्ट 60-70% तक जाएगा, और जिनका 90-20 में मिला है वो सीधा जंप कर रहे हैं अराउंड 95-100% के बीच में। मतलब आप एक अच्छे स्टूडेंट कंसीडर किए जा रहे हैं, भले ही आप अच्छे स्टूडेंट नहीं थे और आपका जो है स्कूल का परफॉर्मेंस अच्छा था, जो कि प्रैक्टिकल्स एंड ऑल दोस, तो आप सबसे लकी हैं, आप सबसे लकी है, बहुत ज्यादा मार्क्स मिलने वाला है। अब आते हैं क्लास 12 के ऊपर। तो क्लास 12 का ना ही डेट शीट है, ना ही कुछ भी आ रहा है, और वहां तक कि आपके रमेश पोखरियाल जी भी कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। अब कोई आगे फर्दर कोई प्रोसेस नहीं दिख रहा है, ऐसे में कब एग्जाम कराया जाएगा, कैसे कराया जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो क्या बातें हैं आप लोगों के लिए, तो क्लास 12 के लिए का जो रिजल्ट अगर प्रिपेयर कराया जाएगा तो इस बेसिस पे कराया जाएगा कि अगर आपको इंटरेस्टेड है, अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो आप जाकर दे सकते हैं। साथ साथ क्लास 10 का भी वही सिस्टम है कि वो भी जाकर अपना एग्जाम दे सकते हैं अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो। लेकिन हमें जितना पता है कि क्लास 12 का एग्जाम कैंसिल होगा, जो कि ऑनलाइन में मोड में कंडक्ट करवाया जाएगा। और इन्फॉर्मेशन दूँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास 10 के लिए बहुत अच्छी खबर है। आज मैं थोड़ा अलग वीडियो बनाऊंगा, सारा दिन आप लोगों को ये सारी रिपोर्ट्स दूंगा, तो मैंने रिजल्ट्स के ऊपर बनाना शुरू किया। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस वे में आप लोगों को मार्क्स दिए जा रहे हैं। सारा रिपोर्ट भेज दिया गया है सीबीएसई को, सीबीएसई अब प्रिपेयर कर रही है, बहुत जल्द आपका रिजल्ट आउट होने वाला है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली अपडेट में, अपना ख्याल रखें।